नमस्कार, मैं हूं तन्या कसौदन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। अक्सर हैकिंग के कई मामले देखने को मिलते हैं। अक्सर हैकर्स बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों को टारगेट करते हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को टारगेट किया गया है। हैकर्स ने कांग्रेस के कद्दावर नेता का मोबाइल हैक कर कांग्रेस के ही मंत्रियों से पैसे की डिमांड कर दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ का मोबाइल हैक कर लिया गया है। कमलनाथ के मोबाइल नंबर की कॉल स्पूफिंग कर साइबर ठगों ने ग्वालियर के कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार सहित चार नेताओं से 5 से 10 लाख रुपए की मांग की है। दरअसल कमलनाथ के नंबर से फोन कर रुपए मांगे जाने की बात असहज लगने पर इन नेताओं ने वरिष्ठ स्तर पर बातचीत की, तब पता चला कि रुपए एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अलग अलग लोगों से मांगे जा रहे हैं। सभी ने आपस में बातचीत की और ठगों को जाल में फंसाया। इन्हीं में से एक नेता ने ठग को श्यामला हिल्स स्थित अपने कार्यालय में बुलाया। यहां दो ठग पहुंचे जिनकी पहले जमकर पिटाई की गई और बाद में इन्हें क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। हालांकि इन ठगों के तीन साथी भाग निकले। क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में मामला कॉल स्पूफिंग का मानकर पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि ये दोनों हैकर्स गुजरात के रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश आए थे। बता दें कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं जो पिछले पंचवर्षीय में चुनाव के बाद सीएम बने थे। हालांकि बाद में इनकी सरकार गिर गई और जिसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। वहीं अगर आपको भी ऐसे फर्जी कॉल आते हैं तो कॉलर की जानकारी के लिए आप कॉलर आईडी ऐप या ट्रू कॉलर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर संदिग्ध लग रहा है तो ऐसे नंबर को तुरंत ब्लॉक करें। पब्लिक वाईफाई का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इन जालसाजों की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें ए न्यूज़ टुडे।